पाठा क्षेत्र में रहने वाले जो आदिवासी परिवार हैं, शिक्षा का एक बड़ा संकट रहा है। ये पहली घटना है कि इन परिवारों की कुछ बेटियां इंटर करने के बाद में स्नातक में प्रवेश कर रही हैं। तो ऐसी बेटियों को खोज करके और संपूर्ण व्यक्तित्व विकास का ध्येय लेकर के इनको एक महीने के लिए यहाँ पर लाया गया है। प्रातःकाल जागरण से लेकर के रात्रि सोने तक की संपूर्ण दिनचर्या का एक कार्यक्रम है, समय विभाजक चक्र है। उसके अंतर्गत इनको सामूहिक गीतों का अभ्यास, प्रेरणा गीतों का अभ्यास, योग व्यायाम, निरोगी काया और इसके साथ साथ ठीक ठीक ढंग से अभिव्यक्ति का भाव इनके अंतर्गत आवे। तो संस्कृत विभाग की ओर से श्रीमती रोजी मिश्रा के नेतृत्व में वनवासी राम का एक नाटक भी इनके साथ में तैयार किया जा रहा है। नाटक के पीछे हेतु ये है कि सभी को बोलने का अवसर मिल रहा है, अभ्यास के माध्यम से और अपने भाव विचार प्रकट करने की सामर्थ्य इनके अंतर्गत आ रही है। इसी के साथ साथ संस्कृत विभाग की ओर से ही और कथक का प्रशिक्षण भी इनको दिया जा रहा है। ऐसी 32 बच्चियां यहां रह करके सामूहिक रूप से कथक नृत्य भी सीख रही हैं।